नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कराने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला हिंदी पाठ्यपुस्तक हिंदी की भूमिका से पाठ 9। और इस कविता का, ये एक बच्चों एक कविता है, और इस कविता का शीर्षक है, इसका शीर्षक है ईश्वर दे सकते हैं शक्ति। तो कविता प्रारंभ करने से पहले हमें कुछ सुनना होगा, हमें कुछ समझना होगा कविता के बारे में। जीवन कठिन परीक्षाओं से भरा मार्ग है, किंतु फिर भी इसमें कुछ शाश्वत मूल्य ऐसे हैं जिन्हें अपनाकर जीवन सरल बनाया ही नहीं अपितु सफल भी बन जाता है। वे हैं प्रेम, करुणा, क्षमा, सहयोग आदि। यही इस कविता का मुख्य भाव है, यही इसका एक उद्देश्य है। प्रायः अच्छे व शुभ दिन के लिए ईश्वर को ही उत्तरदायी माना जाता रहा है, किंतु वे तटस्थ भाव से शक्ति देते हैं। जीवन का उचित अनुचित का प्रयोग हमारे खुद के, हमारे अपने हाथ में है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कविता। ईश्वर दे सकते हैं शक्ति, हमें शक्ति कौन दे सकता है? ईश्वर दे सकते हैं शक्ति। काम तुम्हें स्वयं करने होंगे, काम तुम्हें करने होंगे। राह सुझा देगी प्रकृति, प्रकृति राह सुझा देगी जब स्वयं में परिवर्तन होंगे। माना क्रोध है अभी अबोध है, किंतु शांति लानी ही होगी। बैर निरर्थक, क्षमा सत्य है, बात सबको समझानी होगी। मिले उदासी आंखें प्यासी, चाहे हमें कितनी भी उदासी मिल रही हो, हमारी आंखें प्यासी हो, उसके बावजूद प्रेम सुधा बरसानी होगी। तब भी हमें अमृत और प्रेम बरसाना होगा, चाहे हम कितने ही उदास हों, हमारी आंखों से आंसू हों, तो भी हमें प्रेम और अमृत दूसरों के सामने देना होगा। हमें उनके सामने उदास नहीं, दुखी नहीं रहना है। दृढ़ संकल्प करोगे तुम जब, सब कुछ हो जाएगा संभव। अगर आप संकल्प करेंगे मुझे ऐसा नहीं, तो सब कुछ संभव है बच्चों। यहाँ पे कुछ भी असंभव नहीं है, अगर आप दृढ़ संकल्प करेंगे मुझे ये करना ही है। माना मुश्किलों भरा कठिन है, चाहे कितना भी जो रास्ता हो, जो डगर हो, कितनी भी मुश्किल हो, फिर भी सरल बनाना होगा। तब भी हमें उसे अपने कार्य से, अपने दृढ़ संकल्प से हमें उसे सरल बनाना ही होगा, हमें उसे आसान बनाना ही होगा। कोई सहायक कहाँ मिलेगा? आपको कोई सहायक, कोई हेल्पर, कोई भी आपका मददगार नहीं मिलेगा। केवल श्रम ही अपनाना होगा, सिर्फ हमें मेहनत ही करनी होगी। केवल श्रम ही अपनाना होगा, मेहनत ही करनी होगी। हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट, हमें किसी के ऊपर मददगार की, हमें जो है, हमें राह नहीं देखनी, हमें स्वयं करना होगा, और मेहनत ही आपका रंग लाएगी। तो ये थी हमारी आज की कविता, और इस कविता का नैतिक मूल्य है, सारा संसार शांति का इच्छुक है, सारा संसार शांति का इच्छुक है, केवल प्रेम भाव ही इसे संभव बना देता है। सिर्फ प्रेम से ही आप सारे जग को जीत सकते हैं। और अब है कठिन शब्दों के अर्थ। परिवर्तन का अर्थ बदलाव, बैर अर्थ दुश्मनी, क्षमा यानी माफी, दृढ़ संकल्प अर्थात मजबूत इरादा, अबोध का अर्थ है नादान, निरर्थक यानी बेकार, सुधा का अर्थ है अमृत, और श्रम का अर्थ है मेहनत। तो अभी हमने किए बच्चों शब्दों के, कठिन शब्दों के अर्थ, और अब क्या करेंगे? अब हम सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। तो इसमें सबसे पहले है कविता में शक्ति कौन दे सकता है? ईश्वर, मनुष्य, अध्यापक या इसमें से कोई नहीं, शक्ति हमें दे सकता है ईश्वर। कविता में राह सुझा देगी मानवता, प्रकृति, चांदनी या इसमें से कोई नहीं, कविता में राह सुझा देगी प्रकृति। कवि के अनुसार विश्व में क्या लानी होगी? चिंता, शांति, सुंदरता या इसमें से कोई नहीं, कवि के अनुसार विश्व में लानी होगी शांति। और मार्ग किससे भरा है? फूलों से, मुश्किलों से, कांटों से या इसमें से कोई नहीं, मार्ग भरा है मुश्किलों से। और अब क्या करने जा रहे हैं? अब करने जा रहे हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में सबसे पहले काम तुम्हें करने होंगे, तो काम तुम्हें स्वयं, अपने आप काम करने होंगे।
काम तुम्हें स्वयं करने होंगे। माना क्रोध है अभी अबोध है, माना क्रोध है अभी अबोध है। करोगे जब तुम क्या? दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प। मुझे एक स्वयं करना ही है, मुझे काम करना ही है, तो इसको क्या बोलेंगे? दृढ़ संकल्प करोगे तुम जब, केवल क्या अपनाना होगा? केवल श्रम, क्योंकि आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। आपको स्वयं जब तक मेहनत नहीं करोगे तभी आपको तब तक सफलता नहीं मिलेगी, तो आपको श्रम अपनाना होगा, यानी आपको मेहनत करनी होगी। और बच्चों अब है कविता के रूप में वह पंक्ति ढूंढ कर लिखिए जहां ईश्वर का शक्तिदाता के रूप में परिचय दिया गया है और मनुष्य का मुख्य कर्ता के रूप में। तो इसमें सबसे प्रथम पंक्ति थी, क्या थी? हम वो लिख सकते हैं, ईश्वर दे सकते हैं शक्ति, ईश्वर दे, ईश्वर दे सकते हैं, ईश्वर दे सकते हैं शक्ति, और मनुष्य का मुख्य कर्ता के रूप में काम तुम्हें स्वयं करने होंगे। तो हमने यह पंक्ति लिखी है कविता की, जिसमें था ईश्वर शक्तिदाता के रूप में परिचय दिया गया है और मनुष्य का कर्ता के रूप में, ईश्वर दे सकते हैं शक्ति, काम तुम्हें स्वयं करने होंगे। तो बच्चों ये हमने किया, और इसके बाद है प्रश्न उत्तर। इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों बहुत आसान है, जो आप स्वयं देंगे, इनके उत्तर आप स्वयं देंगे। और इसके साथ हमारी बहुत अच्छी सी कविता यही समाप्त होती है। आशा है आपकी कविता बहुत अच्छी लगी होगी। आभार।